पेपर मैथ और साइंस दिए, तो बाकी सब बच्चे तो पास हो गए, लेकिन मतलब हमारा जो क्लास बंटवारा हुआ था तो वही मैम के सारे बच्चे फेल हो गए। हमारे जो क्लास ए सेक्शन की थी वही सेक्शन ओनली फेल हुई, बाकी सारी सेक्शन पास हो गए। मतलब आपका एक पूरा सेक्शन ही फेल हो गया? हाँ, नाइन्थ में? नाइन्थ में पूरी क्लास? हाँ, में किसमें कौन से सब्जेक्ट में फेल हुई? सर सारे सब्जेक्ट में फेल। कितने बच्चे थे? सर 52 बच्चे थे। तो वो क्या कर रहे हैं कुछ तो? सर सबको बोलिए कि नाइन्थ में दोबारा पढ़ लो, फिर मैम तो ये सलाह दी फिर सब्जेक्ट टीचर से बोली कि एक बार बात कर लो सब्जेक्ट टीचर बोलिए अगर जो नाइन्थ में पढ़ते हो तो अगले साल टेंथ में तुम्हें नहीं भेजा जाएगा क्योंकि एज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पेपर कब हुए थे दो जो पेपर हुए थे? सर दो अभी हुए थे, 28 जून को हुए थे। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करा इन्होंने? हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें फेल दिखाया, मतलब सारे बच्चे का फेल दिखाया तो वो लोग को पास कर दिया कि हमें फेल कर दिया। नहीं तो अगर मार्क्स होंगे उनके, अगर हम चेक करें मार्क्स फिर आपसे ज़्यादा होंगे ना शायद उनके, मतलब वो पास वाले मार्क्स होंगे उनके पास, आपके फेल वाले मार्क्स होंगे। सर हो सकते हैं लेकिन मतलब ये हमें समझ नहीं है जो बच्चे के तो ऐसा करते हैं ना, एक लड़ाई तो हम ये लड़ते हैं पहले तो कि 52 के 52 बच्चे आपने कैसे फेल कर दिए और आप हमें 10 में प्रमोट करें, एक लड़ाई लड़ते हैं ठीक है। अगर वो लड़ाई हमारी नहीं बनती तो रिपीट कर लो। उसकी ऐसी तसी ओपन मत जाओ यार, बर्बाद हो जाओगे। लाइन से मत छोड़ो, लाइन छोड़ने से गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगा, मैं भी तो नाइन्थ में फेल हुआ था, क्या फ़र्क पड़ा? मैं वकील बन गया हूँ आज, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वकील हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? फेल होना कोई बुरी बात थोड़ी है मतलब। तो पहले तो ये लड़ाई लड़ते हैं कि 52 बच्चे हैं कहाँ। बुलाओ जो सबको बुलाओ।